झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर छतरपुर प्रखंड के कर्मा कला डैम स्थित शनिवार को अनुमंडल मुख्यालय के सैकड़ों भैया समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता में भैया समाज के अध्यक्ष शिव कुमार भैया ने की। बैठक में भैया समाज के उत्थान पर विशेष रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मौजूद लोगों ने कहा, समाज के सभी लोगों ने छतरपुर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्य रूप से वार्तालाप कर समाज के दो प्रत्याशी आ रहे हैं। सभी लोगों ने कहा कि आपसी संबंध बनाकर भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी को समर्थन देने की बात कही। बैठक में कई वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में भैया समाज के लोगों ने अपनी भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, जहां आज हम लोगों के समाज में मान सम्मान काफी बढ़ा है, इसलिए इस बार भी अपने मन और विचार से हम सभी भैया समाज भाजपा प्रत्याशी को अपार मतों से जिताने का कार्य करेंगे, जिससे आने वाले समय में भैया समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मौके पर शिव कुमार भैया, राजीव भैया, रंजन भैया, महेश भैया, गुप्ता भैया, राम सनेही भैया, उमेश भैया, जगदीश भैया, छतरपुर नागेंद्र भैया, मोहन भैया, आरजू भैया, हरेंद्र भैया, संजय भैया, विनोद भैया, चरणदेव भैया, गुप्तेश्वर भैया सहित भैया समाज के कई लोग उपस्थित रहे। झारखंड दृष्टि संवाददाता मनोहर यादव की रिपोर्ट। इससे क्या है जो सभा आज हमारा भैया समाज का ये जो कर्मा डैम के पास जहाँ सबरी मंदिर बना हुआ है, मुख्य उद्देश्य हम लोग इसलिए जमा हुए थे कि हम लोग समाज चाहते हैं, हम लोग विचार विमर्श किए कि किसके साथ किसके समर्थन में हम लोग को जाना है। तो पूरा समाज पूर्व जो अभी के जो निवर्तमान विधायक थी पुष्पा देवी मनोज कुमार जी, उनको ये कुशल कार्य को देखते हुए पूरा समाज हमारा चाहता है कि हम पुष्पा देवी जी के पुनः समर्थन में जाना चाहते हैं। ये इस वक्त पूरे छतरपुर प्रखंड और पूरे नौडीहा बाजार प्रखंड के दो प्रखंड मिलाकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस बार पुष्पा देवी के पक्ष? जी जी, पिछले बार आप लोग इसके पक्ष में? पिछले बार भी हम लोग पुष्पा देवी के ही समर्थन में थे और 5 साल का कार्यक्रम उनका बहुत अच्छा रहा, कुशल कार्य रहा उनका। हमारे समाज का भी हमेशा मान सम्मान रखे हैं, तो इस बार पुनः हमारा समाज चाहता है कि उन्हीं के समर्थन में जाए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाए। कई जगह से बात उठ रहा है, कुछ लोग नाराज भी हैं, मीडिया में ये खबरें आई हैं, कुछ आप ही के समाज से नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो इस तरह का अफवाह जो फैला रहे हैं, सोशल मीडिया के ही तहत हमने देखा था, आप थोड़ा समय दीजिए, कुछ ऐसा वीडियो भी आया था, डाली का वीडियो था, जहां पे ये कहा जा रहा था कि श्रीमती पुष्पा देवी जी और मनोज कुमार कभी नहीं आए। उनके लिए हम आप ही के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां पे डाली में खड़ा होकर उन्होंने ये शब्द कहा है, वहीं से डाली से गुड़री, डाली से मुरुंदाग होते हुए दुमोहान तक, डाली से पलवा भिखी तक पीच रोड लगभग 10 करोड़ से कम का नहीं होगा। विधायक पुष्पा देवी के लगाए बोर्ड के बगल में खड़ा होकर कह रहे हैं कि पुष्पा देवी कभी नहीं आए हैं। उनसे पूछिएगा कि ये जो बोर्ड लगा है उनका शिलान्यास आखिर करने कौन आया था, ये बात केवल इतना ही पूछिएगा कि उसका शिलान्यास करने कौन आया है, और रोड अभी वहां उस धरती पे है या नहीं है, कालीकरण पीच रोड है कि नहीं, ये भी देख सकते हैं आप जाकर। इतना भी झूठ अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। वैसे लोगों को कह दीजिए कि वो जो अफवाह फैला रहे हैं पूरा समाज उनका बहिष्कार करने के लिए तैयार है, और गांव में किस तरह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, ये भी समाज उनको बताएगा। ये जो समर्थन है आप लोग का पुष्पा देवी के प्रति, ये सिर्फ समाज के वजह से है या उनके कार्यों की वजह से? कार्यों के वजह से है। कोई महत्वपूर्ण कार्य उनका पास बताइए, उनका समाज के लिए या फिर सभी के लिए? सभी के लिए। अभी 3 रोड तो हमने पहले ही बता दिया, छतरपुर में आप जो शर्मा कॉलेज जाते हैं उसका देखिए, हमारे समाज के लिए आपके सामने देखिए, सबरी जी का इतना बड़ा भवन बनकर तैयार है।